एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन बेसिकली आपने क्लास 9th में जो पढ़ा है, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला जो मेथड था, वही उसी मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्लास 9th में आपने कैसे कैसे इनको सीखा था, और इन कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है मुझे मेथड से, ठीक है, फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप प्यारे बच्चों होता है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब वन लिखा हुआ है, तो वन का मल्टीप्लाई 10 में कराइए। जो आंसर आया उसका यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने क्या कराया है, वन का मल्टीप्लाई 10 में। यहाँ वन लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, वन का मल्टीप्लाई 10 में कराया, आंसर क्या आया 10। उस 10 के फैक्टर कराइए, 2 5 जा 5 1 जा। अब ये दो नंबर आ गए आपके पास, इन दो नंबर को ऐसे आपको यहाँ पर लिखना है कि प्लस या माइनस करके क्या आए जो बीच जो मिडिल वाली क्वांटिटी है। तो मिडिल वाली क्वांटिटी कैसे आएगी, देखो एक्स स्क्वेयर, अब प्लस का 2 है और 5 है, दो नंबर है हमारे पास। मुझे आंसर में कैसा चाहिए, माइनस का आंसर चाहिए, माइनस का, दिख रहा है आपको माइनस का आंसर। माइनस के आंसर का मतलब ये हुआ कि 101% एक चीज़ तो पक्की है कि जो 5 जो बड़ी वाली क्वांटिटी है उसके सामने कैसा नंबर होना चाहिए, कैसा साइन होना चाहिए, माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि आंसर में क्या चाहिए, माइनस, ठीक है। तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस का और छोटे वाले नंबर के साथ प्लस का लिखना है आपको। तो देखो कैसे बनेगा, प्लस का 2x और माइनस का 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। माइनस 5x में से 2x करिए, माइनस 5x प्लस 2x क्या आएगा आंसर, माइनस 3x। तो ये बीच वाला जो टर्म है ये स्प्लिट हो गया आप, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x कॉमन ले लिया। अब जो ये कॉमन लिया है इससे इसको डिवाइड करो तो क्या बचेगा, x प्लस, इससे इस टर्म को डिवाइड करो तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, बिल्कुल आसान है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है और 5 कॉमन आ रहा है, ठीक। माइनस 5 से इस टर्म को डिवाइड करो, है ना, माइनस 5 से जब इस टर्म को डिवाइड करोगे तो माइनस से माइनस, 5 से 5 तो क्या बचेगा, x। अच्छा, माइनस 5 से माइनस 10 को डिवाइड करो तो माइनस से माइनस कटा, प्लस आएगा, 5 टू जा 10 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो ये दोनों x प्लस 2 वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा x और माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। एक बार x माइनस 5 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। बिल्कुल आसान है इस प्रोसेस को करना। तो ये प्रोसेस आपने क्लास 9th में सीखी थी, एक बार मैंने आपको फिर से बता दी कैसे करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है मेरे पास, 2x² प्लस x माइनस 6, जो इसका सेकेंड पार्ट है ना वो है 2x², 2x² प्लस एक्स माइनस 6, प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फिर से ध्यान से सुनना, बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएगी बात। इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराना है, यहाँ पर, तो 2 × 6 कराया कितना आएगा, 12। 2 × 6 कराया, आंसर आया 12। इस 12 के फैक्टर, 2 6 जा 12, है ना, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये नंबर आए। इन नंबर्स को ऐसे चूज करना है कि प्लस या माइनस करके 1x आ जाए, है ना। तो देखो कैसे करोगे, 2 2 जा 4 और 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल कैसे करेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस 3x, 4x में से 3x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 1x और माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये समझ आ गया। अब इसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x से इसको डिवाइड करो तो 2 से 2 कटेगा, x से 1x कटेगा, x बचेगा, प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2x से x कैंसिल। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो और माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, x। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 2 जा 6। इन दोनों में से x प्लस 2 वाला ब्रैकेट कॉमन आ रहा है,
और ए तो बचेगा क्या, 2x-3=0। यहाँ से जब x प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी -2, और इसको पुट करोगे जीरो के इक्वल तो 2x=3, या x की वैल्यू कितनी, 3/2। स्टेप याद रखने हैं आपको, बस इसको सिंपल है, इस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ करा के वहाँ लिख लो, उसको फैक्टराइज कराओ। फैक्टर कराने के बाद उनमें से नंबर्स में से इस तरह से सेलेक्ट करो कि प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आए, उसको लिख लो। ठीक, इसके बाद फर्स्ट टू में से कॉमन लो, फिर उसके बाद वाले जो दो नंबर बचे हैं उनमें से कॉमन लो। ऑटोमेटिकली ये नंबर और ये वाला ब्रैकेट, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये ब्रैकेट इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं, नहीं तो हम गलत कर रहे हैं। कभी भी क्वेश्चन करोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट ऑलवेज सेम आना चाहिए। फिर ये ब्रैकेट आ जाता है कॉमन, तो ये नंबर और ये नंबर यहाँ बच जाता है। 1/1 उन दोनों को जीरो के इक्वल रखते हैं और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाती है। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल आसान वाला, थर्ड वाला पार्ट है इसका। √2x²+7x+5√2=0। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ पूरी तरह से कि आपको कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको ये बताया कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है उसका मल्टीप्लाई यहाँ कॉन्स्टेंट नंबर से करना होता है, तो √2 का मल्टीप्लाई किससे कराना है, 5√2 से। ठीक है, कराइए। तो 5 ऐसे ही, ठीक है, √2 × √2 क्या आंसर आया, 10। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराया तो 5 ऐसे, ठीक है, √2 × √2 2, 5 × 2 10। अब जो ये नंबर आया है इसके फैक्टर करने हैं, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, ये दो नंबर आए मेरे पास 2 एंड 5। इस 2 और 5 को ऐसे सेलेक्ट करना है कि क्या बन जाए, 7 बन जाए, तो 2 और 5 को ऐड करा दीजिए 7 बन जाएगा। तो देखिए आंसर √2x²+2x+5x +5√2=0। 7x को क्या लिख दिया, 2x+5x, ये ऐसे ही लिखा है और ये ऐसे ही लिखा है। अब इसके बाद मैं आपको एक स्टेप दिखाता हूँ जो इम्पोर्टेंट स्टेप है। ठीक है, देखिए √2x² ऐसे ही, ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस ये जो 2 है इसको ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2 और साथ में x प्लस 5x ऐसे ही, ठीक है, प्लस 5√2=0। क्या कर दिया, ये ऐसे ही लिखा, केवल 2 को √2 × √2 लिख लिया और बाकी सब कुछ ऐसे ही लिखा। अब इसके बाद इन दोनों में से कॉमन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी √2 आ रहा है, यहाँ पर भी √2 आ रहा है, तो ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ भी x आ रहा है, यहाँ भी x आ रहा है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो √2x से इसको डिवाइड कराइए इस टर्म को, तो √2 से √2 कटा, x से x कटा, क्या बचा, x। √2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, एक x बच गया। यहाँ से √2 बाहर आ गया, x बाहर आ गया, क्या बच गया, √2। ठीक, प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x। यहाँ से 5 चला गया, क्या बचा, √2=0। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ गया, इसका मतलब क्वेश्चन ठीक चल रहा है। एक्स प्लस √2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, √2x+5=0। एक बार एक्स प्लस √2 को जीरो के इक्वल पुट करिए तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -√2। और एक बार √2x+5 को जीरो के इक्वल पुट करिए तो यहाँ से x=5 उधर जाएगा, तो माइनस का अपॉन में √2। एक आंसर ये आएगा, एक आंसर ये आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाला ये क्वेश्चन था, केवल मैंने एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा करके दिखाया है कि 2 को क्या लिखना है, √2 × √2, इससे आपको ये क्लियर दिखाई देता है। ठीक, इसके बाद एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, इसी का है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में मैं आपको करके दिखाता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, ये है √2x²-x+1/8। 2x² - x + 1/8
इक्वल्स टू जीरो ऐसे दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर ले लो एलसीएम, पहले एलसीएम लिया, एट आया एलसीएम। अब एट आएगा जब एलसीएम, इसके नीचे तो अपॉन में वन चल रहा होगा है ना, तो वन एट, एट टू जा सिक्सटीन, वन से डिवाइड किया एट, एट इंटू दिस माइनस एट एक्स, एट से डिवाइड किया वन, वन इंटू वन वन, ये एट जीरो में चला जाएगा, क्या बचेगा सिक्सटीन एक्स के माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल आसान है ऐसा करना। अब इसके बाद स्प्रेड द मिडल टर्म कराने के लिए 16 का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, तो क्या आया 16, और 16 के फैक्टर करा लो, अब इन नंबर को ऐसे सेलेक्ट करो कि प्लस या माइनस करके 4 आए, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, 4 और 4 8 बना देगा, तो 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। माइनस क्यों लिया, यहाँ पर प्लस करना है ना, तो माइनस माइनस करके प्लस तो हो जाएगा और माइनस माइनस साइन माइनस का ही आएगा है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों टर्म माइनस में लिए हैं। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 4 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, 4x से इसको डिवाइड करिए, 4 4 4 जा 16 और x से एक x कट जाएगा, x बचेगा, 4x से कट जाएगा 1। अच्छा इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लीजिए, माइनस का 1, माइनस का 1 जब कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से इसको डिवाइड कराएंगे तो 4x आएगा, माइनस 1 से 1 को डिवाइड कराएंगे तो माइनस 1 आएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा 4x माइनस 1 का ब्रैकेट और दूसरा भी 4x माइनस 1 का ब्रैकेट। तो यहाँ से 4x माइनस 1 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 4, और यहाँ से फिर से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आएगी, 1 अपॉन 4। ये बिल्कुल आसान तरीका है इसको करने का। तो सबसे पहले तो LCM लिया, इससे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें 8 के फैक्टर, 8 को स्प्लिट करना था तो 4x प्लस 4x कर लिया, माइनस 4x माइनस 4x मिलकर माइनस 8x बन जाएगा, इन दोनों में से 4x कॉमन आया तो यहाँ पर 4x जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 4x, कैसे पता किया ये 4x बचेगा, 4x से डिवाइड कर लिया, ऐसे यहाँ पर 4x से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो 1 कॉमन लो। तो सर प्लस का क्यों नहीं ले लिया, माइनस का 1 कॉमन क्यों लिया, माइनस का 1 कॉमन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर 4x मुझे कैसा चाहिए था प्लस का, तो मैं यहाँ पर भी प्लस का ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन लिया। ये समझ आया, इसको थोड़ा सॉल्व करिए, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, फिफ्थ पार्ट है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1, ठीक लिखा मैंने क्वेश्चन, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो 100 का मल्टीप्लाई 1 में, तो यहाँ पर क्या आएगा 100, 100 का फैक्टर, ठीक है 2, ये कितना आ जाएगा 25, 5 से ये नंबर आए, इन नंबर को ऐसे सॉल्व करना है कि प्लस या माइनस करके 20 आए, तो 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, 10 और 10 मिलकर 20 आ जाएगा, ठीक है तो 100x स्क्वायर माइनस 20x चाहिए, तो दोनों के आगे माइनस का साइन आएगा, माइनस 10x माइनस 10x माइनस 20 है प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है 10 और x कॉमन आ रहा है, 10x से इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 10x, 10x से इसको डिवाइड करोगे तो 1, माइनस इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन ले लो क्योंकि प्लस का 10x चाहिए, ठीक है तो माइनस 1 से इसको डिवाइड कराओगे तो 10x आएगा और माइनस 1 से इसको डिवाइड कराओगे तो माइनस 1 आएगा। अब इन दोनों में से 10x माइनस 1 वाला जो ब्रैकेट है ये कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा दूसरा ब्रैकेट 10x माइनस 1, तो यहाँ से 10x माइनस 1 को जब तुम 0 के इक्वल पुट करते हो तो x की वैल्यू 1 बाई 10 आती है, फिर से 10x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हो तो x की वैल्यू 1 बाई 10 आती है। तो ये एक तरीका है जो आपने क्लास 9th में पहले से सीख लिया है, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिट द मिडिल टर्म, ठीक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकल के आ जाते हैं, और ये जो प्यारे बच्चों जो ये जो आंसर आते हैं ये आंसर ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कहलाते हैं।
ठीक है, ये क्या है रूट और ये क्या है फैक्टर। तो ये वाली बात क्लियर रखनी है, ये जो टर्म लिखा हुआ है आपके सामने ये है फैक्टर, ये दो फैक्टर हैं, ये जो दो वैल्यू लिखी हुई हैं ये क्या है रूट। ठीक है, इसी तरह से इसमें बताओ फैक्टर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं, ये क्या है फैक्टर और ये क्या है रूट्स, इसको आपको याद रखना है। अरे बच्चों एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये पेज नंबर 71 पर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पेज नंबर 71 पर, लेकिन ये एक्सरसाइज 4.2 का, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर है 2। ठीक है, वहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि जो एग्जाम्पल 1 है उसमें जो प्रॉब्लम गिवन है उनको आपको सॉल्व करना है, तो वो पेज नंबर 71 पर बड़े आसानी से मिल जाएंगे आपको। ओके चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, बिल्कुल आसानी से। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, ये है जॉन ये है जीवंती, दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल हैं 45। ठीक है, तो सपोज करो जॉन और जीवंती, ठीक है जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर 45 है, तो अगर मैं जॉन के मार्बल एक्स मान लूँ, है ना, जॉन के मार्बल एक्स मान लूँ, तो जीवंती के मार्बल कितने होंगे, तो आंसर है 45 - x। छोटे बच्चों वाली बात है ये, तो आपको समझ में आती है। ठीक, तो लेट द जॉन जॉन हैव नंबर ऑफ मार्बल इक्वल्स टू x, देन जीवंती जीवंती के पास जो मार्बल होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो होंगे 45 - x। ठीक है, वो मैंने आपको वहां करके दिखा दिया, अब आगे पढ़ लिख दिया है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल, ओके बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा ठीक है, जॉन के पास एक्स मार्बल हैं, जीवंती के पास 45 - x मार्बल हैं, इसके बाद क्या हुआ, दोनों के पास से 5 5 मार्बल लॉस हो गए। तो चलिए मैं लॉस कराता हूँ पहले, तो इनको आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल ईच नंबर ऑफ मार्बल विद जॉन कितने बचेंगे, एक्स में से 5 कम हो गए होंगे उसके पास, अच्छा जीवंती के पास कितने रह गए होंगे, तो जीवंती वाले जो मार्बल थे वो पहले थे 45 - x, उसके भी 5 मार्बल खो गए, है ना, पहले जॉन के पास एक्स थे 5 मार्बल उसके खो गए तो ये लॉस हो गया, और जीवंती के भी 5 मार्बल का लॉस हो गया, तो जीवंती के पास कितने बचे, अब 45 में से 5 माइनस करिए ये बचे 40 - x। ठीक, बिल्कुल आसान बात। अब आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है एंड देन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब इनके पास 5 5 मार्बल खो जाने के बाद अब जो मार्बल इनके पास रह गए हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन दोनों मार्बल का प्रोडक्ट अगर हम करा दें तो वो किसके इक्वल है, 124 के इसके इक्वल है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कराइए, एक्स का 40x - x2 यहाँ पर कराइए, 200 + 5x = 124, इसका मल्टीप्लाई कराइए फिर 5 का कराइए। ठीक है, ये हाँ -x2 चल रहा है इधर, फोर टू हंड प्लस का 5x और प्लस का 40x प्लस का 45x। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो कैसा कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो ये कितना बना देगा इसे 324, ये सारी क्वांटिटी भी उधर लेकर जाइए, तो x2 प्लस का हो जाएगा, 45x - का हो जाएगा, और प्लस में क्या चल रहा है उधर 324 = 0। पहले इसका मल्टीप्लाई करा लो, इसके बाद क्या करना होता है, ये मैं केवल 200 को इधर ले गया तो 324 आ जाएगा ना, इसके बाद ये माइनस का है तो ये उधर जाकर प्लस का होगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये पहले से उधर चल ही रहा होगा 324। अब इस क्वांटिटी के आपको फैक्टर कराने हैं, तो स्प्लिट द मिडिल टर्म को हम यूज करेंगे, x square
माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू जीरो। स्प्लिट द मिडिल टर्म कराने के लिए हमें क्या करना होता है? तो आंसर है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है उसका मल्टीप्लाई कराओ यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ पर कितना है? अभी 1 है। 1 का मल्टीप्लाई जब हम यहाँ कराएंगे तो आंसर कितना आएगा? 324। 324 के हमें फैक्टर करने होंगे। 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2 फिर कराइए 3 27 3 9 3 3 3 1। ओके, ये नंबर मुझे मिल गए। इन नंबर्स को मुझे ऐसे चूज करना है कि प्लस या माइनस करके क्या आंसर आना चाहिए। 45, ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। तो इनमें से नंबर कोई देखिए आपको कुछ समझ में आता हो कौन सा नंबर मैं लेकर चलूँ। 45 लाना है। 3 3 जा 9 3 जा 27 तो यहाँ बन रहा है। 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 नहीं बनेगा यहाँ से। 3 3 जा 9 और 4 जा ये बन जाएगा 36 और 9 ये बन जाएगा 45। ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो मैं कौन कौन से वाले ले रहा हूँ प्यारे बच्चों ध्यान से देना। एक तो ये वाले नंबर 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 तो 9 4 जा 36 बीच में ये दोनों बचे इसका 9 आ जाएगा। तो 36 और 9 मिले हैं मुझे नंबर। तो इन नंबर को चूज कर लिया हमने। तो माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस 324 इक्वल्स टू जीरो। बिल्कुल आसान है ये वाली चीज़ ना। ऐसे नंबर को लिख के फिर देख लिया करो, थोड़ा सा बस आइडिया लग जाता है कैसे कैसे लेने हैं। ठीक, इसमें से कॉमन ले लो एक्स, एक्स माइनस 36 बचेगा, यहाँ से 9 कॉमन ले लेना तो ये बचेगा एक्स माइनस 36 इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स माइनस 36 एंड एक्स माइनस 9 ये दो ब्रैकेट आए होंगे आपके पास, है ना, और x की वैल्यू यहाँ से आपकी 9 आ रही होगी और यहाँ से x की वैल्यू 36 आ रही होगी। तो जॉन के पास जो मार्बल होंगे वो 36 होंगे, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने होंगे? ये आए हैं जो मार्बल, ये जॉन के आए हैं। अगर जीवंती की मैं बात करूँ तो जीवंती के पास जो मार्बल होंगे वो 45 माइनस 36 यानी कि 9। अगर जॉन के पास 9 होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 9 मतलब 36। ये समझ आया? x की वैल्यू हमारी 36 आई थी, ये x की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दी? यहाँ पर। तो जीवंती के मार्बल निकल गए। 45 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 9। और अगर x की वैल्यू मैं 9 लेकर चलूँगा यहाँ पर तो जीवंती के पास मार्बल कितने आएंगे? 36 आएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है जीवंती और जॉन के मार्बल का। तो एक पेयर तो ये बनेगा, या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। तो ये है एक आसान वाला क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट जो है मेरे पास वो है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, जो क्वेश्चन है उसको देखते जाइए और मैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ रहा हूँ और इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे। तो मैंने माना लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। वन डे में कितने टॉय प्रोड्यूस करती होगी? तो मैंने माना एक्स टॉय प्रोड्यूस करती होगी, ठीक। आगे क्वेश्चन में उसने कहा है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। बिल्कुल आसान सी बात हो गई है। तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन टॉय बल्कि लिखना चाहिए मुझे, चलिए ठीक है मैं लिखता हूँ वन टॉय। एक टॉय की कॉस्ट उसने क्या कहा है? इट वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे, ठीक। कैसे किया? कोई भी एक फैक्ट्री है, कोई भी एक कंपनी है, वो क्या करती है? टॉयज बनाती है। वो एक दिन में कितने टॉयज बनाती है? एक्स, ठीक है। और उसके एक टॉय की कॉस्ट कितनी है? तो आंसर है 55 माइनस एक दिन में जितने टॉय बन जाते हैं वो,
ठीक है, तो कॉस्ट कितनी हो गई एक आर्टिकल की, 55 माइनस एक्स। ठीक, बिल्कुल आसान है यहां तक करना। अब टोटल कॉस्ट निकालना चाहते हैं, टोटल कॉस्ट आप एक फैक्ट्री में टॉय बनाते हैं, एक टॉय सपोज करिए 2 रुपए का आता है, 2 का है ना, तो 10 टॉय कितने के आएंगे, तो आंसर है 2 × 10 कराइए, आंसर है 20 आ जाएगा, है ना। अगर मैंने आपसे पूछा कि एक कंपनी बनाती है एक टॉय और उसकी कॉस्ट, एक टॉय की कॉस्ट 5 रुपीज है, ठीक है, तो 2 टॉय कितने के ले लोगे आप, तो आप आंसर दोगे 10 के। तो कैसे निकाला आपने, नंबर ऑफ टॉय जितने आप चाहते हैं और उसकी एक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दिया। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पर सिंपल लगा लेते हैं कि एक दिन में टॉय कितने बन रहे हैं, एक्स, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स, तो एक टॉय की कॉस्ट को टोटल नंबर ऑफ टॉय से मल्टीप्लाई करा दें तो यहां से क्या निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। तो टोटल कॉस्ट उसने क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो उसने क्वेश्चन में कहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज ₹750। ठीक, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 750 इक्वल्स टू एक्स का मल्टीप्लाई कराइए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब कुछ इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में यहाँ पहले से क्या चल रहा है, 750 इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा। अच्छा, अब इस क्वांटिटी का आपको करना है फैक्टराइजेशन बाय स्प्रेड द मिडिल टर्म। ठीक, कैसे करें, यहाँ पर करने का तरीका यह है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उस नंबर का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या आंसर आया हमारे पास, 750, उसके कराओ फैक्टर, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, अब इसके बाद 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इसके बाद 5 से करा लें, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, इस तरह से इसको सॉल्व करते गए आप। तो इसका स्प्रेड द मिडिल टर्म करने पर ये नंबर आ रहे हैं, ये नंबर हमारे पास फैक्टर करके बने 750 के, इन नंबर्स में से स्टार्टिंग के ये 3 नंबर लेने पर 30 आता है और 5 और 5 लेने पर 25, तो 30 और 25 ये नंबर बनते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, इन दोनों में से क्या कॉमन है, एक्स, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 30, इनमें से क्या कॉमन है 25, तो क्या बचेगा एक्स माइनस 30 इक्वल्स टू 0, एक तो आ जाएगा x माइनस 30 वाला ब्रैकेट और एक आ जाएगा x माइनस 25 वाला। ठीक है, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 30 और एक x की वैल्यू आ जाएगी 25, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है।